संभल में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर समाजवादी पार्टी के समर्थक कार्यकर्ताओं ने भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, पुलिस उत्पीड़न को लेकर बीजेपी सरकार के खिलाफ मौन धरना दिया है। संभल जनपद में समाजवादी पार्टी की छात्र सभा के जिला अध्यक्ष सुरेंद्र यादव की अगुवाई में बड़ी संख्या में सपा समर्थकों ने भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, पुलिस उत्पीड़न के स्लोगन लिख के पोस्टर हाथों में लेकर चंदोस्ती में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा स्थल पर सुबह 9 बजे से 11 बजे तक मौन धरने पर बैठकर बीजेपी सरकार की नीतियों और कार्यप्रणाली के खिलाफ आक्रोश जताया है। क्या मामला? ये हमारी समाजवादी छात्रसभा के प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय सिंह देव जी के आह्वान पर समाजवादी छात्र नौजवान जागरूक सप्ताह का कार्यक्रम चल रहा है, जिसके आज इस सप्ताह के अंतिम दिन गांधी जी की प्रतिमा पर ये 1.5 घंटे का मौन सत्याग्रह किया गया है। इस सत्याग्रह का मुख्य उद्देश्य 0 फीस पर प्रवेश, छात्र संघ चुनाव की बहाली, बेरोजगारी दूर हो, महिलाओं का उत्पीड़न बंद हो और जो लगातार छात्रों की फीस में वृद्धि हो रही है वो फीस की वृद्धि कम की जाए। ये हमारे आज के मौन सत्याग्रह के मुख्य बिंदु थे। तरफ से मौन सत्याग्रह किया गया है, कार्यकर्ता क्या कहेंगे इसमें? हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी द्वारा समाजवादी छात्र सभा के जो एक सप्ताह तक जो अभियान चलाया गया है उसका आज अंतिम दिन था और आज हम लोगों ने गांधी जी की प्रतिमा पर आकर के माला अर्पण करने का काम किया है और हमने 1.5 घंटा यहाँ पर हमारे कार्यकर्ताओं ने हम लोगों ने मौन धारण करके इस सरकार की जो नाकामियाँ हैं इसको शुद्ध बुद्धि दे दे ऊपर वाला, इसको लेकर के हमने आज मौन धारण किया है यहाँ पर। सभा ने मौन सत्याग्रह रखा था फुब्बारे पर, जिसमें काफ़ी संख्या में समाजवादी कार्यकर्ता और आप लोग मौजूद रहे, क्या कहेंगे इसमें? आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती है और जयंती के अवसर पर समाजवादी पार्टी छात्र सभा के प्रदेश अध्यक्ष के आह्वान पर आज यह मौन व्रत रखा था और मौन व्रत इस वजह से था कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने शांतिपूर्ण तरीके से हमको अपनी बात मनवाने के लिए सत्याग्रह का नाम दिया था। उसी सत्याग्रह में हम लोग बैठे थे। आज पूरे प्रदेश को, छात्रों को कॉलेज बंद है, शिक्षा का कोई इंतजाम नहीं है, नौजवानों को रोजगार का कोई इंतजाम नहीं है, गरीब किसान मजदूर सब पीड़ित है, महिलाओं के साथ लगातार जुल्म जास्ती हो रही है, बलात्कारी घटनाएं हो रही हैं। अभी कुछ दिन पहले एक व्यापारी मनीष गुप्ता जी की हत्या कर दी गई पुलिस के लोगों द्वारा। तो ऐसे जहाँ जंगल राज कायम है, संविधान का शासन नहीं है, कानून का शासन नहीं है, ऐसे मौके पर मैं सत्याग्रह के माध्यम से ये प्रदेश सरकार को चेतावनी के रूप में कहा है कि आप प्रदेश के कानून का राज लाइए, संविधान का राज लाइए, महिलाओं की, व्यापारियों की, किसानों की, मजदूरों की सुरक्षा का जिम्मा लीजिए। आज पूरे प्रदेश में भय भय स्थिति है, कब किसके साथ कौन सी घटना हो जाए, किसी बेटी की इज्जत लूट जाए, किसी छात्र के जीवन खत्म हो जाए, किसी नौजवान की रोजगार न मिले, इन तमाम चीज़ों को लेकर के आज हमने सत्याग्रह किया था यहाँ पर, जिसमें हमारे पार्टी के जिलाध्यक्ष से लेकर तमाम सीनियर साथी और तमाम पार्टीजन इकट्ठा हुए थे आज।